नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। जी हां, पहले जीएनसीटी बिल पहले लोकसभा में पास हुआ 22 मार्च को और उसके बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया। यानी कि जो बिल, जिस बिल का अभी तक विरोध हो रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कई सारे आरोप भी केंद्र सरकार की तरफ लगाए जा रहे थे। बल्कि ये भी बातें कही जा रही थी कि केंद्र सरकार अपनी सरकार चलाना चाहती है एलजी के द्वारा। तो वो जो खतरा था, वो जो डर था अरविंद केजरीवाल का, वो ऐसा लग रहा है कि अब सत्यता में बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसीलिए उन्हें एक बड़ा झटका लगा है कि अब जीएनसीटी बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है, जो कि अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मोहर के बाद बन जाएगा एक कानून। और उसके बाद आप देखेंगे काफी ज्यादा बदलाव आएंगे दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसमें भी, और तमाम तरीके के जो फैसले दिल्ली सरकार की तरफ से लिए जाते हैं उनमें भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तक जो चीजें थी, जो व्यवस्था थी, वो दिल्ली सरकार संभाला करती थी और तमाम जो कानून थे वो दिल्ली सरकार के द्वारा ही लागू कर दिए जाते थे दिल्ली में। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो बिल है, जो जीएनसीटी एक्ट है, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है, यानी कि अब वो कानून बनने जा रहा है। तो इसके बाद अगर दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उससे सबसे पहले दिल्ली के एलजी यानी कि अनिल बैजल से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे, तब जाकर उनका कोई भी कानून दिल्ली में लागू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जितने भी दंगाई थे उन्हें बचाने का काम किया करते थे, तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बड़ी हैं और दूसरी तरफ उस टुकड़े टुकड़े गैंग और उन माफियाओं की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं जिनका अभी तक अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करते आए हैं। उनके लिए भी जिस तरीके से कोर्ट में जाना पड़ता था पुलिस के लिए, कन्हैया कुमार का अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो कन्हैया कुमार ने जिस तरीके के नारे लगाए थे दिल्ली की सड़कों पर बैठ के, और उसको लेकर जब दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाती है, हाई कोर्ट के चक्कर लगा लिए जाते हैं, पर दिल्ली सरकार है कि उस फाइल को नीचे दबा कर बैठी रहती है जिसमें काफी ज्यादा लंबा वक्त लग गया था। अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज ये जीएनसीटी बिल पास हुआ है राज्यसभा के बाद, अब ये कानून बन जाएगा, तो ऐसा लगता है कि वो जो मुश्किलें पहले दिल्ली के लोगों को देखनी पड़ी थी वो शायद अब नहीं देखने को मिलेंगी। क्योंकि अब जो पावर है कि एलजी के हाथों में चली गई है। अनिल बैजल की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो इन दोनों में शुरुआत से ही, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, हमें मतभेद देखने को मिला है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि क्या क्राइटेरिया है अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सीएम के और क्या क्राइटेरिया है दिल्ली के एलजी के। और अब जो पावर बढ़ा दी गई है, पावर बढ़ाना ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पहले जो मनमानी की जाती थी दिल्ली की सरकार की तरफ से, अब उस पे रोक लग गई है, रोक लग गई है या फिर रोक लगने जा रही है, बात सामान्य है। क्योंकि जो एक्ट था वो अब कानून बनने जा ही रहा है। और जितनी भी चीजें दिल्ली की सरकार की तरफ से की जाती थी, अगर हम किसान आंदोलन की भी बात करें, जैसा कि अभी राज्यसभा में भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ, मीनाक्षी लेखी ने भी अरविंद केजरीवाल के इन सारे सवालों को लेकर उन पर पलटवार किया, और मीनाक्षी लेखी ने भी ये बात कही कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, पर मालिक आने वाली उन्होंने कोई चीज करके नहीं दिखाई। अगर हम जनता की बातें भी आपके बीच में रखें, तो जनता की तरफ से भी जिस तरीके से 4-5 महीनों से जो किसान आंदोलन चला आ रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें भी दिल्ली के मालिक ने कोई भी कानून नहीं बनाया था उन सारी चीजों के लिए कि जिस दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है उनके हित के लिए भी कुछ सोचा जाए। तो शायद उस दिल्ली की जनता को अब शायद कुछ अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर हम आपको बताते हैं जो हंगामा आज इस बिल के दौरान राज्यसभा में हमें देखने को मिला, यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी काफी ज्यादा जो विरोध किया गया इस बिल का। क्योंकि कांग्रेस, अगर सभी जानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करती है, तो यहां पर बॉलीवुड की भी कुछ हस्तियां हैं जिन्हें भी जीएनसीटी बिल पास होने के काफी ज्यादा बड़े झटके लगे। कन्हैया कुमार हो या फिर सफूरा जरगर जैसे लोग हो जिन्हें सपोर्ट करने वाली स्वरा भास्कर को भी बड़ा झटका लगा। स्वरा भास्कर भी जैसे ही ये बिल राज्यसभा में पास हुआ उसके बाद वो आकर जल्दी से ट्वीट कर देती हैं और ये कहती हैं कि मैंने तो वोटिंग ही नहीं किया, यानी कि एलजी को, मतलब कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को
बड़ा झटका लगा है जिनको अरविंद केजरीवाल कहीं सपोर्ट किया करते थे। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें और जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, अगर हम इन सारी चीजों की बात करें तो दिल्ली में जो 2020 के दौरान जो दंगे हुए थे उसमें सभी जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का पार्षद शामिल था और उसे बचाने के लिए किस तरीके से कोशिश की गई और बैटिंग की गई आम आदमी के MLA यानी कि संजय सिंह की तरफ से। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली की जनता जानती है और आज जो GNCT बिल पास हुआ है राज्यसभा से उसको लेकर काफी ज्यादा लोगों को ये खुशी भी मिली है क्योंकि अब GNCT के दौरान अब ये जो बिल पास अभी कानून बन जाएगा तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल कुछ भी इस तरीके का फैसला नहीं ले सकते और जो फाइलें आम आदमी पार्टी अभी तक दबा कर बैठा करती थी वो भी अब ये नहीं दबा पाएंगे। हालांकि ये जो पावर अब अरविंद केजरीवाल के हाथ से चली गई है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, तमाम लोगों को बड़ा झटका लगा है, इसीलिए बयानबाजी भी पुरजोर की जा रही है। अगर यहाँ पे हम और दलों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस NCP यानी कि जो पार्टी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी चलाती है और महाराष्ट्र में किस तरीके का हाल अभी बना हुआ है वो सभी जानते हैं, पर वहाँ के नेता भी इन सारी चीज़ों को लेकर बयानबाजी करते हैं और BJP को लेकर ये कहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी सरकार चलाना चाहती है इसीलिए उन्होंने ये GNCT बिल लाया है और वो अपनी सरकार और अपनी मनमानी करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम बौखलायापन देखें तो हम संजय सिंह का भी देख सकते हैं जो कि हमेशा ही कभी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और कभी अपने ही नेता सोमनाथ भारती को बचाने के लिए बयानबाजी करते हैं। तो इस बात पर संजय सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो बिल यानी कि GNCT बिल लाया गया है वो केंद्र सरकार इसीलिए ला रही है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपना विस्तार कर रही है, ज्यादा वोट पा रही है, तो इस बात से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को डर है, इसीलिए उनको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। बल्कि हकीकत कुछ और ही है। GNCT बिल एक केंद्र सरकार की तरफ से इसीलिए भी लाया गया है क्योंकि जो व्यवस्था दिल्ली में बिगड़ गई है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद वो हम ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लोग जानते हैं और दिल्ली के लोगों को कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो भी सारे लोग जानते हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली में जो राइड्स हुए थे उसकी बात करें और या फिर कोरोना की महामारी के दौरान बात करें, जो हालात थे दिल्ली के अस्पतालों के, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री उन हालातों को नहीं समझ पाते तो उन्हीं सब चीज़ों का दौरा करने के लिए अभी 2020 की बात है उस टाइम पे गृह मंत्री अमित शाह ने ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का दौरा किया था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला, ये कानून लाया गया है, पर उसके बावजूद भी बौखलाहट है जो कि कम होकर नहीं दे रही। अगर हम बात करें, जब से इस बिल की बात शुरू हुई थी तब से ही अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से तमाम बातें थी जो कही जा रही थी। जब ये एक्ट लोकसभा में पास किया गया था तो उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा के लोगों ने दिल्ली को धोखा दिया है, संशोधन जो बिल पास हुआ है उससे दिल्ली वालों का अपमान किया है गया है, ये बिल उन लोगों की ताकत छीनता है जिन लोगों को दिल्ली वालों ने चुना है और उन लोगों को पावर देता है जिन लोगों को दिल्ली वालों ने हरा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LG के पास जिस तरीके से पावर गई है उस बात को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी को ही बड़ा झटका लगा है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कह दिया गया था कि जो कानून व्यवस्था है और जो पुलिस प्रशासन है वो केंद्र सरकार के ही अंडर रहेगा, पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर LG गवर्नर की बात करें, उपराज्यपाल की बात करें यहाँ की, वो कभी भी उनके संबंध दिल्ली सरकार से अच्छे नहीं रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को लेकर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। जिस टाइम पे दिल्ली रॉयट्स हुए थे उस टाइम पर भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया था कि जो बस जलाई जा रही थी, जिनमें वो जो दंगाई थे जिन्होंने बस को जलाया था, उस टाइम पे भी दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो बहाल ये बहुत अच्छी ज़्यादा बात होगी कि ये GNCT बिल आया है उसमें तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो कि अब ऐसा लग रहा है कि अब शायद हालात सुधर सकते हैं, जिन चीज़ों से दिल्ली वालों को गुजरना पड़ रहा था उन सारी चीज़ों में अब अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो भी कानून अब अरविंद केजरीवाल लाना चाहें या फिर बैठकें भी अगर होंगी तो उन सारी चीज़ों के
लिए अब उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी दिल्ली सरकार को। अगर ऐसा भी कोई फैसला है जिसमें दोनों में असमंजस बैठती है या फिर एलजी कुछ और कहते हैं और दिल्ली सरकार कुछ और कहती है तो ये सारा मामला चला जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही दिल्ली में कोई कानून लाया जा सकेगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिससे अब जाहिर सी बात है जब एलजी के हाथ में पावर चली जाएगी और जो अभी तक जितनी भी चीजें जितने भी गुंडे थे जितने भी दिल्ली में दंगाई थे उन्हें जो बचाने का काम अभी तक दिल्ली सरकार करती आई है या फिर वो कन्हैया कुमार हो, जिस तरीके से कन्हैया कुमार को शेल्टर दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, जाहिर सी बात है कि उन लोगों को बचाने वाले और भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाले लोगों को तो बड़ा झटका लगेगा ही।